मैं आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन इस्तिखारा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये ऐप मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने डिवाइस पे, इसलिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ आइकन पे प्रेस करके, और ये ऐप ओपन हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इसका फर्स्ट स्क्रीन है। आप इसका इंटरफेस उर्दू में है बाई डिफ़ॉल्ट, आप नीचे से हिंदी पे जब प्रेस करेंगे तो ये हिंदी में हो जाएगा और उर्दू पे प्रेस करेंगे तो उर्दू में। मैं उर्दू ही रहने देता हूँ। और जो ये बटन आपको दिख रहा है येलो कलर में प्ले बटन, इस पर जब आप प्रेस करेंगे तो आप इसकी नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे लिस्टिंग आपको दिख रही होगी, आप कहीं भी प्रेस करके उस पेज को ओपन कर सकते हैं। तो अभी मैं ऊपर ही क्लिक कर रहा हूँ तारुक पे, ये पहला पेज आ गया है। अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो नीचे प्रेस करिए प्ले बटन। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इस्तिखारे के मौजू पर यह किताबचा पेश खिदमत है। हमारी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मुहिम्मात चलती रहती हैं। अभी हाल ही में मुसलमानों को इस्तिखारे की तरफ मुतवज्जह करने के लिए 10 रोज़ा मुहिम चलाई गई और इस मुहिम का नाम इस मुबारक के दौरान तकरीबन 10 मक्तूबात और 2 मैंने साउंड को स्टॉप कर दिया है। आप इससे स्क्रॉल भी कर सकते हैं पेज को, और नीचे नेक्स्ट बटन है उस पर प्रेस करके नेक्स्ट बटन पे जा सकते हैं, या आप स्लाइड भी कर सकते हैं, स्लाइड करके नेक्स्ट बटन पे जा सकते हैं। और तो इस ऐप में पूरा इस्तिखारा के बारे में डिटेल में बताया गया है साउंड के साथ। जैसे मैं इस पेज पे हूँ और मैं इसको सुनना चाहता हूँ तो नीचे प्ले बटन पे प्रेस करता हूँ। इस्तिखारे की दुआ का तर्जुमा। اللهم إني أستخيرك بعلمك يا الله میں آپ سے خیر مانگتا ہوں آپ کے علم کے واسطے سے وأستقدرك بقدرتك اس پیج پہ جا رہا ہوں تو یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا بائس دکھ رہا ہوگا نا آپ پہ بیک نیکسٹ کے بغل میں بیک اس پہ جب میں پریس کرتا ہوں तो आप देख सकते हैं 1 से 43, मतलब इस ऐप में टोटल 43 पेज हैं। और मैं यहाँ पे टाइप करके कहीं भी जा सकता हूँ। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं 22 प्रेस करता हूँ, जाओ करूँगा तो मैं 22वें पेज पे आ गया। चलिए मैं इसको यहाँ पे 30 पेज पे जाता हूँ, 30 भी आ गया। ठीक है, मैं यहाँ प्ले बटन पे प्रेस कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ही से खैर का सवाल है। अल्लाहुम्मा, तो जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं एक ग्रे कलर में आइकन है, इस पर जब आप प्रेस करेंगे तो ये इस पेज पे बुकमार्क ऐड हो गया, मतलब एक निशानी ऐड हो गई, ताकि अगर आप इस ऐप को क्लोज़ कर दें अभी और फिर से खोलें कल या परसों कभी भी और इसी पेज पे वापस आना चाहें तो आप कैसे आ सकते हैं। तो मान लीजिए मैं होम पेज पर हूँ और मैंने इसको क्लोज बटन पर प्रेस करके क्लोज़ कर दिया है। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम आया, मैंने फिर से ऐप ओपन की। अब मैं उसी पेज पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैंने निशानी ऐड की थी, तो मैं प्ले बटन पर प्रेस किया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ऊपर आप देखिए छोटा सा रेड कलर में एक आइकन दिख रहा होगा टेढ़ा सा, इस पर मैं प्रेस करता हूँ तो ये एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिस पर लिखा है सफ़ा 31 और खोलें। मतलब सफ़ा 31 पे आपने एक बुकमार्क ऐड किया हुआ है और उसको खोलने के लिए आप खोले बटन पर जब प्रेस करेंगे तो आप देखिए आप 31 पेज पे दोबारा पहुंच गए और आप फिर से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और आप कोने में देख रहे होंगे एक आई बटन है, इस पर जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर बीच में देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ऊपर बटन है जिसमें पहला बटन है हमारा काम, इस पर जब आप प्रेस करेंगे तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और वहाँ पे मेरे दूसरे ऐप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ मैं अपने नए ऐप की पोस्ट भी करता रहता हूँ कि कौन सा ऐप नया पब्लिश हुआ है इस्लामिक ऐप्स। और जो दूसरा बटन है उस पर आप प्रेस करके शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को ये ऐप। और अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो तीसरा बटन है राय भेजें, इस पर जब प्रेस करेंगे तो आप मुझे मेल भेज सकते हैं। और चौथा बटन जो स्टार है उस पर प्रेस करके आप इस ऐप को प्ले स्टोर पर रेटिंग दे सकते हैं। और नीचे जैसा कि आप देख सकते हैं एक ये स्क्रॉलर छोटा सा लगा हुआ है, इसमें जो लास्ट बटन है, मैं अभी नेट ऑन कर लेता हूँ, इस पर जो लास्ट बटन है जिस पर एंड्रॉयड का आइकन बना हुआ है नीचे ऑल ऐप्स, इस पर जब आप प्रेस करेंगे तो मेरी आप गूगल प्ले स्टोर वाले पेज पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर मेरे सारे ऐप देख सकते हैं। या आप जो बाकी जो चाह रहे हैं उस पर प्रेस करके किसी इंडिविजुअल पेज पर जा सकते हैं। तो मैं ऑल ऐप्स पे प्रेस कर रहा हूँ तो ये गूगल प्ले स्टोर खुल गया और यहाँ पे मेरा पेज खुल गया, यहाँ पे मेरे सारे ऐप दिख रहे हैं।
आप किसी भी ऐप को मेरे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, वापस आया हूँ, मैं ऐप को क्लोज़ कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से आप इस ऐप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा इस्तिखारा, इस्तिखारा विद साउंड कर देता हूँ, इस्तिखारा विद, मैंने सर्च किया तो सबसे ऊपर देखिए इस्तिखारा विद साउंड और नीचे डेवलपर का नाम जावेद अली लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस पर जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि लिखा हुआ है मोर बाय जावेद अली और उसके आगे एक छोटा सा एरो बना हुआ है। उस एरो पर जब आप प्रेस करते हैं तो ये मेरा पेज खुल गया और यहाँ पर मेरे सारे ऐप्स नज़र आ रहे हैं आपको, और आप यहाँ से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यसरन अल कुरान विद ऑडियो पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये पेज खुल गया और यहाँ से मैं इसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस पर प्रेस कर दिया तो ये इंस्टॉल होने लगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबा दें। थैंक्स।